हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। में हूँ आपका दोस्त शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं रजत टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से किस तरह से लिंक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगी कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर तक की थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 31 मार्च तक की कर दी गई है। तो अगर अभी तक आपने अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप उसको कर सकते हैं। तो इसी की प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के दो मेथड हैं। एक एक करके मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूं। तो फर्स्ट मेथड है वो SMS के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो SMS के थ्रू आप किस तरह से करेंगे तो वो मैं आपको शॉर्टली से बता देता हूं। तो इसके लिए आपको अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे UID पेन, उसके बाद वहाँ पे कुछ देना है स्पेस। स्पेस देने के बाद आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर यहाँ पे दे देना है, उसके बाद फिर से आपको स्पेस देना है और फिर अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे दे देना है, और इसके बाद में आपको 56 76 78 या फिर 56 161 इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर इस मैसेज को सेंड कर देना है। जैसे आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो ये तो क्या मैसेज के थ्रू किस तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड है यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर। तो आप सीधे आप गूगल में सर्च करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट, तो आप इस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग की वेबसाइट पर आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इस वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसको सबसे पहले डेस्कटॉप मोड एनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप मोड एनेबल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा लिंक आधार का, तो आपको इस लिंक आधार पर टैप कर देना है। जैसे आप लिंक आधार पर टैप करेंगे एक और नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले आपको डालना होगा अपना पैन नंबर, इसके बाद में आपको डालना होगा यहाँ पे अपने आधार नंबर, उसके बाद में आपको जो आपके आधार पर जो नाम लिखा हुआ सेम वही नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद में अगर आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ इस तरह से लिखी हुई कि ओनली सन लिखा हुआ है उसमें और उसमें पूरी डेट वाइज नहीं लिखी हुई है, जैसे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1996 तो उसके आधार पे जैसे शुरू में बनते थे 1996 लिखा रहता था, बस 1 जनवरी नहीं लिखा रहता था। इसी तरह से अगर आपका लिखा हुआ तो आप इस पर टिक मार्क लगा दीजिए। और अगर आपके आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई है मंथ डे और ईयर तो फिर आप इस पर टिक मत लगाइए। उसके बाद में आपको इसके नीचे एक आई एग्री वाला जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको इस पर टिक लगा देना है। इस पर टिक लगाने के बाद आपको नीचे एक कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाएगा, इस कैप्चा का आपको इसी तरह से फिल कर देना है। इसके बाद में आपको रिक्वेस्ट OTP पर यहाँ पे टिक मार्क लगाना होगा। इसको टिक मार्क लगाने के बाद आपको लिंक आधार पे आपको टैप कर देना है। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर आपने लिंक किया होगा उस पर एक OTP आएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे देना है और प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में तकरीबन आधा से पौन घंटा इसमें लगता है, आधा पौन घंटे के बाद आपको यहाँ पे मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो चुका है। तो ये दो मेथड मैंने आपको बताए, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आसान लगता है उस मेथड के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए।